एक दरवाजा और इंतजार, एक मोहब्बत है चेहरे हजार। पोएट्री राइटिंग का शौक जो है वो मुझे काफी टाइम से है, और मुझे ये लगता है कि पोएट्री लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा वेपन है जो दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकता है। और मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि यहाँ बैठे जितने भी राइटर्स होंगे वो इस बात से पूरा पूरा अग्री करते होंगे कि पोएट्री इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है किसी भी चेंज को लाने में। क्यों, सही कह रही हूँ मैं? तो आज जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ वो मैंने लिखी थी जब पुलवामा अटैक हुआ था। सोल्जर्स, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं जब हम सोल्जर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन वाकई में अगर हम गौर से देखें तो सोल्जर्स की लाइफ और सिविलियंस की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी लाइफ और उनकी फैमिली की लाइफ कितनी इफेक्ट होती है उनके प्रोफेशन से। हम प्रोफेशनली डॉक्टर्स, टीचर्स बन जाते हैं, आराम से अपना जाते हैं, 9 to 5 की जॉब होती है, करके आ जाते हैं, एक महीने पे हमें पहली तारीख को सैलरी मिल जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। तो आज मेरी ये राइटअप सोल्जर्स के नाम पे। एक मतलब इस राइटअप का जो आपको कॉन्क्लूजन बताऊंगी तो वो ये है कि मैंने लिखा है कि एक दरवाजा है और वो एक सोल्जर के घर का दरवाजा, एक फौजी के घर का दरवाजा है, और वो वापस आने की उस दरवाजे के पीछे 3 लोग हैं जो उसकी राह देख रहे हैं। तो मेरी इस पोएम का नाम ही है वो दरवाजा। वो दरवाजा, एक दरवाजा किस्से हजार, उसके पीछे के हैं हिस्से हजार। एक दरवाजे से है किसी को अपने बेटे का इंतजार, कोई बैठा है भाई को करने को प्यार। उसी दरवाजे के पीछे कुछ हल्के से घूंघट के नीचे खड़ी है चूड़ा पहन के कलाई में, मिलने की तड़प है महबूब की जुदाई में। एक दरवाजा और इंतजार, एक मोहब्बत है चेहरे हजार। वो इंतजार खत्म नहीं होगा, वो इंतजार खत्म नहीं होगा कि अब उसके लौटने का भरम नहीं होगा। तिरंगा पहन के आया है वो, तिरंगा पहन के आया है वो, गम नहीं गुरूर लाया है वो। देश का बेटा बना है आज, देखो कैसा 3 रंगों में सजा है आज। दरवाजे ने गवाही दी है, दरवाजे ने गवाही दी है कि अब जो रोशनी भी बुझा ही दी है, पलके भी जो भिगा ही दी है, जो एक घर की तुमने तबाही की है, हिसाब मांग रही आंखों को देखो किस कदर कर्ज में डूबे हो उसके। हिसाब मांग रही आंखों को देखो किस कदर कर्ज में डूबे हो उसके, जिसने अपनी जान दे के तुम्हारी रहनुमाई की है। शुक्रिया।